इंदिरा आवास को दो दिया तो हमारे कारण की 25,000 रुपया पहले लागत घूस ताहि कारण मतलब कि हमरा वो नहीं दिला हमर नाम काट का दोसर आदमी दो दिल छि नै पाइप तो लगले नहीं जगह दिल जो उइना मिलत कोन जरूरी देखिए चप्पा कर लिया ग्राम ने कि ओप सूद पर रुपया 5 रुपया तो आपके योजना के लाभ मिलल एकदम में नल लेनी जो लेके जो कहां सा अपन नल लेनी है कि टाइम में पाकिट में भेल हूं अपन काम बने लो अपन काम बने लो अपन बने सब काम रघुपति राघव राजा राम जनता मर गया उसे कोई हमको दरकार नहीं। उधर पानी फूटता है उधर बह रहा है पाइप ऊपर में है सब चीज ऊपर में है कुछ का साधन नहीं है। मुखिया जी कहे छे अथी आवासी बनत अब जीतब त देव तो मुखिया जी कतेक दिन से मुखिया छथिन 10 साल से पानी ना रहे छे पानी नहीं आ रहा है। मुखिया जी के पास आप लोग सरकारी योजना के लाभ के लिए जाते हैं तो मुखिया जी क्या करते हैं मारे ला दौड़ता है न राशन कार्ड दे छे न राशन से न दे छे न इंदिरा आवास दे छे दो धियो पुता हो गेले राशन में के ना कुछ में न जुटले है राशन के पानी पीबे छे न एरा कार तो हैबे न है साफे न कुछ दे कि नल जल के पानी दे छे से कहियो आज तक नहीं पिए न अभी तक नहीं पिए वो है टूटल उठल आपको घर नहीं देगा हमको वोट नहीं देता है तारा पुखेट में कोई मुखिया ने दिया है पैसा अभी तक मतलब कोई भी नहीं ये 10 साल ये मुखिया रहा वो मुखिया रहा हमारा तो कोई नहीं दी नहीं कुछ चालू भी नहीं है क्या अभी तक आपके वार्ड में पानी नहीं आया नहीं पानी कुछ भी नहीं आ रहा है तेरा मुखिया भोले मुखिया कुछ भी नहीं दे रहा है बिचला नहीं दिया है तो नहीं आया पानी कहाँ से तो देखिए ये लोग इस पब्लिक हमारा वोट नहीं देता है तारापुर के हम झपरी ही रह जाएगा ऊंच नहीं करेगा उसी तरफ से मुखिया जी नहीं देता है पाइप देखबै छी नल जल योजना के जहाँ सब पानी निकले छै तो ये देखियो एमे महीस बांधल छै एहि लेल महीस क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह से पैसा निकासी होने के बाद भी आपके वार्ड में काम नहीं हुआ क्या ऐसे प्रतिनिधि पर कार्रवाई होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए। नमस्कार प्रणाम आप लोग देख रहे हैं AY लोकल न्यूज और मैं राजीव कुमार आज हम आपको लेके आए हैं कटरा प्रखंड के अंतर जजुआर पश्चिमी पंचायत के 8 नंबर वार्ड में जहां पर नल जल योजना के नाम पर लाखों रुपया की निकासी हो चुकी है लेकिन वार्ड नंबर 8 में नल जल का पाइप तो दूर पाइप भी नहीं है और ना ही टोटी है ना नल जल का कोई सिस्टम है ना ही नल जल की योजना का यहां पर कार्य हुआ है लेकिन पैसा निकल चुका है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आपका नाम? राजकुमार ठाकुर, रमनी टोल 8 नंबर वार्ड। जी आपके यहाँ नल जल योजना का मतलब कुछ काम हुआ है? नहीं कुछ काम नहीं हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ? नहीं। पैसा लाखों रुपए का निकासी जो है जजुआर पश्चिमी के 8 नंबर वार्ड है ना 8 नंबर वार्ड में हो चुका है लेकिन इनका कहना है कि यहाँ पर नल जल योजना का कुछ काम नहीं हुआ और अभी जो है जजुआर पश्चिमी पंचायत में नल जल योजना की जांच होने वाली है तो इनका कहना है कि आप खुद देख लीजिए यहाँ पर कि नल जल योजना का काम हुआ है कि नहीं हुआ। अगर जांच कमेटी का कोई टीम आपके क्षेत्र में आएगा तो आप बताएंगे ना अपनी समस्या? जरूर बताएंगे सब कुछ बताएंगे जब नहीं काम हुआ तो कहाँ से दिखा दे आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर आइए वार्ड नंबर 8 जजुआर पश्चिमी का है जहाँ पर नाम क्षेत्र में जो थे यहाँ के वार्ड में नल जल योजना के काम भेल नल जल योजना के कनिको काम भेल तो की अहाँ की कह चाहबे जे की योजना पर काम होबाक चाही और जे नहीं कलखिन हुनका पर कार्रवाई होबाक चाही? जरूर जरूर कार्रवाई होबाक चाही एहि लेल जे की वार्ड नंबर 8 छै नी जी जजुआर पश्चिम के 8 नंबर वार्ड छै ताकि लोक सब के कहनाम छन कि जे भी प्रतिनिधि छथिन या जे भी अधिकारी छथिन वार्ड के नाम से नल जल योजना के पैसा उठेने छथिन हुनका ऊपर अति शीघ्र कार्रवाई होबाक चाही। हम आपको घर घर घुस कर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर नल जल योजना का कुछ भी काम नहीं हुआ है लेकिन नल जल योजना के नाम पर लाखों रुपए का निकासी हो चुका है। आप सामने देख सकते हैं हम कैमरा मैन को बोलेंगे कि आप दिखाइए कि यहाँ पर भी चापाकल है और यहाँ पर भी चापाकल से ही जीवन यापन होता है लेकिन नल जल योजना का ना तो पाइप बिछा है ना टोटी है यानी नल जल योजना का यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है। जजुआर पश्चिमी का यह 8 नंबर वार्ड है। आपका नाम? कन्हई कुमार। कन्हई कुमार की नल जल योजना का काम हुआ है आपके घर? कौन सा पंचायत है आपका? जजुआर पश्चिमी। जजुआर पश्चिमी वार्ड नंबर 8। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ के घर घर के लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पर नल जल योजना का कोई काम नहीं हुआ है
और लेकिन पैसा जो है वो निकासी हो चुका है, जजवार पश्चिमी के 8 नंबर वार्ड है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि नल जल योजना का काम हुआ नहीं और पैसा निकल गया? ये तो गलत हो रहा है ना, काम हुआ नहीं और पैसा निकल गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मतलब पैसा निकला है तो काम होना चाहिए, तो क्या ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। प्रणाम, अहाँ सबके इम्हर जे छै से नल जल योजना के काम भेल छै? गाँव में भ गेल छै, बाद में बोकिए छै, एकन कहके के एक मंडल कहिए, यानी कह के मतलब ई छै जे कि इम्हर काम नहीं भेल छै नल जल योजना के, 70 बाकी छै सर। लेकिन ये योजना के नाम पर जे छै से पैसा निकल चुकल छै लेकिन काम नहीं भेल छै, तो आई पर की कहबे? लेबै, यानी काम होबक चाही, होबक चाही। तऽ अहाँ सबके सरकारी योजना के लाभ मिलैय? सरकारी योजना के किछो लाभ नहीं मिलैय। अच्छा एक बात बताओ कि एखन जे योजना छै नल जल वाला, जे हर वार्ड में नल जल योजना पर काम भ रहल छै, कि अहाँ सबके वार्ड में नल जल योजना के काम भेलै? नहीं है, जोर से बजियौ एहिमे, कहि लेल नहि भेलै? योजना के पैसा निकल चुकल छै लेकिन हिनकर कहनाम छै कि योजना पर काम नहि भेलै, और कहि लेल नहि भेलै तऽ हिनका सबके नहि मालूम? साधारण सी बात छै, ई नॉर्मल किसान छथिन, अपना घर परिवार में लागल रहै छथिन, और हिनका पंचायत के कोनो योजना के या किछु के जानकारी नहि छै। कि अहाँ के पंचायत में जे छै से कोनो योजना अगर अबै छै तो ओहि पर ग्रामीण के बैसाक योजना के विचार विमर्श कयल जाय छै? यानी कहा के मतलब इहो छै जे कि पंचायत भवन पर आइ तक मुखिया जी के द्वारा एकौटा ग्रामीण के बैठक नहीं भेलै, सामूहिक बैठक, जैमे योजना पर फैसला लेल जाय कि कोन योजना पर काम कयल जेतै और कोन योजना पर नहीं कयल जेतै। गुप्त तरीका से नल जल योजना के पैसा निकाल के वार्ड नंबर 8 जजवार पश्चिमी में काम नहीं भेलै। की कहबै यहाँ बाबा? हम तो कहबै नहीं, सरकार हमरा नहीं भेटल है, तो कहबै क्या बात की नहीं भेलै? तो की काम हुआक चाही? हुआक चाही। आ जे पैसा के निकासी क लेलकै और काम नहीं कैलकै तो ऊपर कार्रवाई हुआक चाही? जी जी। आवास योजना में की आवास मिलल अहाँ सबके? आवास योजना के लाभ नहीं मिलल? वृद्धा पेंशन मिले? इनका घर भी दिखलाइए। वृद्धा पेंशन, आवास योजना, शौचालय, यानी कहा के मतलब जी कोनो सरकारी योजना के लाभ हिनका सबके नहीं मिल रहा है। और सामने जे अहाँ देख सकै छी, इहे हिनकर रह के मकान छै, तैयो अइ हालात में हिनका सबके आवास योजना के लाभ नहीं मिल पेलन। चाची प्रणाम, कि अहाँ सबके वार्ड में नल जल योजना के काम नहीं मिलल या अहाँ सबके कोनो सरकारी योजना के लाभ नहीं मिलल? नहीं भेलै, तो हमरा सबके पूछल जेतै तऽ सा कहबै जे नहि। तो कई लेने भेले, सरकार के तरफ से योजना आबै छै जे हर गरीब के घर तक योजना पहुँचे के चाही, तो की अहाँ सब तो गरीब छी, अहाँ के तो मतलब घर द्वार नहीं छै, तो की अहाँ के योजना के लाभ कई लेने? तो हिनकर सबके खोपड़ी में रहै छथिन, एकर बावजूद हिनका सबके नहीं आवास योजना के लाभ मिललन और एक कोटा सरकारी योजना के लाभ नहीं मिलते। सरकारी योजना पर की काम भेल छै? कोनो काम नहीं भेल हमरा, नल जल योजना पर काम कोनो काम नहीं भेला, नल जल योजना पर काम नहीं, कोई राज्य नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? इसके लिए कोई क्या चाहिए उसको, तो कुछ कार्रवाई होना चाहिए, सहारा देना चाहिए। जब कोई दे नहीं रहा भाई, तो गरीब को कोई देखने वाला नहीं है, सब उजरा धोती वाला सब नेता सबको दे रहा, जिसका कोई कमी उसको दे रहा, गरीब को कोई नहीं देने। देखिए ये जजवार के नवयुवक हैं और इनका दर्द आप भली भांति समझ सकते हैं कि जो बड़े लोग हैं उनको ही सरकारी योजना का लाभ मिलता है और पंचायत के जितने भी गरीब और त्रस्त नागरिक हैं उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलता है। मतलब भैया लाभ नहीं योजना देने मुखिया जी। अच्छा अहाँ सब मतलब अहाँ के घर बनाबे के लेल की अहाँ मुखिया जी से संपर्क केने रहिए? केने रहिए, इंदिरा आवास तक कहलक, नामो रहा इंदिरा आवास में, तब काट देलक, काट कुट हटा देलक, यानी इंदिरा आवास में बाप के नाम लिया तो वही में काट कर हटा दिया गया। और आप देख सकते हैं कि झोपड़ी में ये रहते हैं, इसके बावजूद भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता। नाम सुनील ठाकुर, पश्चिम पंजाब जजुआर और 8 नंबर वार्ड। अमे जल नल योजना पाइप तक लगबे नहीं कैल है,
और टोटी के बताबे। दोसर नंबर उनका कह गए मुखिया जी के इंदिरा आवास एगो दो दिए तो हमारे कारण कि 25,000 रुपया पहले लागत घूस ताहि कारण मतलब कि हमरा वो नहीं दिला हमर नाम काट के दोसर आदमी दो दिल किलो और बाद में वो दमन आदमी छे तो दमन के साथ के मारपीट करो जाए के पैर पकड़ा जाए ताहि कारण हमरा सबके नहीं मिलल अखन तक। अच्छा एक बात बताओ जो नल जल योजना के नाम पर 8 नंबर वार्ड के पैसा निकल गया है लेकिन अहाँ सबके नल जल योजना के लाभ मिले या कुछ नहीं पाइप तो लगले नहीं जगह तो नल जल योजना मिलत कौन जरूरी है चप्पा कल ग्रामीण की ओप सूद पर रुपया 5 रुपये तो आप देख सकते हैं कि हर घर में सिर्फ चापा कल लगा है नल जल योजना का काम नहीं हुआ है गरीबों को आवास नहीं मिला है न शौचालय यानी कहने का मतलब सरकारी योजना का एक भी लाभ किसी घर तक नहीं पहुंचा है जिसकी तस्वीर आप सामने देख सकते हैं। चाची आपका नाम कविता देवी कि अहाँ सबके नल जल योजना के काम भेले है कोनो योजना काम नहीं भेले है इठमा पाइप ताइप तो लगबे नहीं के लिए पानी कहाँ से क्यों देते हैं इनकर कहा नाम छे जे पाइप तो लगबे नहीं के लिए तो पानी कहाँ से देते कि आवास योजना के लाभ मिलल कोनो लाभ नहीं से तो घर की स्थिति देखे रहल छे ना कोनो जी 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 यानी कहा के मतलब ई छे जे कोनो सरकारी योजना के लाभ अहाँ सबके नहीं मिले या कोनो नहीं कोथु नहीं तो की कहा चाहबे अहाँ जे मतलब जे बड़ा अधिकारी छथिन हुनका सबके की कहबे जे सब पर कार्रवाई होवक चाहिए होवक नहीं चाहिए तो गरीब के नहीं देखे छथिन पैसा वाला के सब देखे छथिन हिनकर सबके कहा नाम छे जे गरीब के देखा वाला क्षेत्र में पंचायत में क्यों नहीं छे सिर्फ जे हुनकर चमचा छे दलाल छे और दबंग छे हुनकर कार्य होइ छे त अहाँ सबके तस्वीर देखेनो जे नल जल योजना के काम नहीं भेल छे गरीब के आवास नहीं मिले छे शौचालय नहीं मिले छे कोनो सरकारी योजना के लाभ नहीं मिले छे। अहाँ के नाम शंकर ठाकुर कौन पंचायत है अहाँ सबके जजवार पश्चिमी वार्ड नंबर 8 कि अहाँ सबके नल जल योजना के लाभ मिलल एकदम नल जल जल कहाँ से अपन नल नहीं अच्छा यानी नल जल योजना के लाभ हिनका सबके नहीं मिलन साफ साफ चचा बता रहा है कि नल जल योजना पर कोनो काम नहीं भेले लेकिन वार्ड नंबर 8 में जे छे से पानी के टंकी बैसल छे कहाँ बैसल छे वो तारापुर स्कूल लग बैसल ओमे की भेले नहीं भेले कोनो तनाते नहीं बुझाल हमरा किछु नहीं छे जी यानी टंकी और तारापुर जो छे 8 नंबर वार्ड में है ना 8 नंबर यानी चाचा के कहना छे कि 8 नंबर वार्ड में नल जल के काम अधूरा लगभग किछु टंकी के निर्माण कैल गेले जे एत से लगभग आधा किलोमीटर के दूर पर छे और नल जल योजना की इम्हर पाइपों ने बिछाएल गेल छे कोनो काम नहीं भेल छे आवास योजना के लाभ मिलल है नहीं नहीं हमरा किछु नहीं मिलल है शौचालय वाला शौचालय अपना पाइप से बनेने छे हमरा पाइप के देलक तो शौचालय योजना के लाभ सेहो नहीं मिलल किछु नहीं मिलल सरकारी योजना किछु मिलबे नहीं क्या मिलबे नहीं कैल हमरा अच्छा वृद्धा पेंशन मिले या हाँ वृद्धा पेंशन मिले या बाकी जे आवे छे फसल क्षति वाला या बाढ़ राहत वाला अच्छा ई सब में हिनका मिले छन लेकिन नल जल योजना के काम नहीं भेल छे और हिनका आवास नहीं मिलल छन तो कि नल जल योजना पर काम नहीं भेल छे के लेल किछु कहो है कहबे नहीं कोना सब जतक जे पॉकेट आई नमा पॉकेट में भेल अपन काम बनेनो अपन काम बनेनो अपन बने सब काम रघुपत राघव राजा राम जनता मर गया उसे कोई हमको दरकार नहीं जनता मर गया उससे उसको काम नहीं है तो आपको हमने घर घर घूम के दिखाया वार्ड नंबर 8 की तस्वीर जो जजवार पश्चिमी की है यहाँ पर सबका कहना है कि भ्रष्टाचारी ने इस तरह से पंचायत और वार्ड को लूटा है तो उसकी भरपाई करना भी मुश्किल होगा। आपका नाम भैया नाम त्रिवेणी माझी कौन से पंचायत में है 8 पश्चिमी में जजवार पश्चिमी 8 नंबर वार्ड क्या आप लोगों के इधर जो है नल जल योजना का काम हुआ है नहीं उधर पानी फूटता है उधर बह रहा है पाइप ऊपर में है सब चीज ऊपर में है कुछ को साधन नहीं है। अच्छा आपका घर किधर हुआ घर तारापुर में तो तारापुर में टंकी तो लगा है टंकी लगा हुआ है। देखिए इनका कहना है कि तारापुर में एक टंकी लगा है जहां पर कुछ घरों में तो पाइप वगैरह बिछा हुआ है लेकिन वहां पर भी जो है पानी बरोबर नहीं पहुंचता है पाइप से ही फटा पाइप से पानी निकल जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अच्छा से कार्य होना चाहिए तो अच्छा से होना चाहिए ना तो उर्वरक वाला काम ना होना चाहिए। तो कभी आपके घर तक नल जल का पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा पहुंचता है मतलब फूटा हुआ है सर वो तो बह रहा है। तो हर जगह इन लोगों की समस्या आप सुन सकते हैं देख सकते हैं कि इन लोगों को नल जल योजना का लाभ नहीं मिला है लाखों रुपए का निकासी वार्ड में हो चुका है आवास योजना का लाभ मिला है नहीं आवास योजना का भी नहीं मिला है नहीं मिला बाढ़ राहत वाला जो पैसा आता है वो मिला है वो नहीं मिला है बाढ़ राहत का भी पैसा नहीं मिला है शौचालय वाला पैसा मिला नहीं शौचालय वाला भी नहीं मिला है कुछ नहीं मिला हम लोग का
यानी आप लोगों को एक भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है? कुछ नहीं मिले, कोई लाभ नहीं मिला है हम लोग का, कोई लाभ नहीं मिला। आगे भी कुछ लोग हैं जिनसे हम उनका बयान पूछना चाहेंगे, इधर आइए। बोलो जाए, बोलो जो है महिला लोग हैं, वो महिला लोग हैं जो महिला चाची पर नाम, अपन नाम बताबियो। कांति देवी मिस्मात। कांति देवी, अहाँ के घर तारापुर। तारापुर की नल जल योजना के काम भेले अहाँ सबके इमहर? न कनिको काम नहीं भेल, कनिको न कहियो पानी पहुँचल घर तक कि न? घर तक ले पहुँचल, फूटल है, फूटल है पाइप। हाँ। यानी घर तक मतलब जैसे से पानी नहीं पहुँचे? पानी नहीं पहुँचे, यानी एक दिन नहीं पहुँचल अहाँ सबके घर पर पानी? अच्छा वो छोड़ू, नल जल योजना पर तो काम नहीं भेल कि आवास योजना के लाभ मिलल है? न भेटल है आवासी। कहाँ देख सकै छी बुजुर्ग महिला के, हिनकर कहा नाम छै कि आवास नहीं मिलल, कोनो सरकारी योजना के लाभ नहीं मिलल? तो आवास योजना में यहाँ के नाम कहियो नहीं मिलल, कहियो मुखिया जी सबके पास गेल हेबै? गेलिए न देलकै। की कहलखिन मुखिया जी? मुखिया जी कहै छै अथी आवासी बनत, अब जीतब तो देव। तो मुखिया जी कतेक दिन से मुखिया छथिन? 10 साल से। 10 साल से मुखिया छथिन और आई बेर फेर हिनका सबके प्रलोभन दै छन जे आई बेर हमरा जिताबत, हम तोरा आवास शौचालय हर योजना के लाभ मिलेगा। अहाँ सब देख सकै छी कि 8 नंबर वार्ड जरुआर पश्चिमी के छै, जहाँ पर गरीब के कोनो योजना नहीं मिलल छै, मुखिया जी के द्वारा संतोना और विश्वास देल जाय छन जे 10 साल तक जीतेला, एक बेर और जिताबत सब योजना के लाभ देब। की नाम है चाची? राजकली देवी। कहाँ घर है? जजुआर। जजुआर पश्चिमी। हाँ। वार्ड नंबर 8। वार्ड नंबर 8। नल जल के काम भेल छै अहाँ सबके इमहर? नहि। नल जल के काम नहि भेल छै? नहि। पानि नहि जाइए अहाँ सबके घर तक? नहि। कोइ फाटल है एने के तऽ कहाँ जा सके, कहाँ जाइ छै किछो नहि। अच्छा आवास योजना के लाभ मिलल? नहि। आवासो के लाभ नहि मिलल, यानी कोनो सरकारी योजना के लाभ नहि मिलल? किछो नहि। मुखिया जी की कहै छथिन? नहि कुछो कहै छै कि हम जहिया जीतब तहिया कुछो हम कऽ के रहब। तऽ मुखिया जी कतेक दिन से छथिन? 10 साल। मुखिया जी 10 साल से छथिन और घर घर इहे कहै छथिन जे एक बेर फेर से जिताब, हम तोरा आवास देब, हम तोरा शौचालय देब। अहाँ सुन सकै छी बुजुर्ग महिला के आवाज जे हर बार हिनका संतना देल जाय छन कि आई बेर कह देब, ओई बेर कह देब, और एहि चक्कर में एखन तक 10 साल गुजर जा चुकल छै और 15वां साल के भरोसा दऽ रहल छन जे एहि बेर जिताब, आवास मिलत, शौचालय मिलत, सब मिलत। पानी ना रहै छै? कौन पंचायत में थी? पश्चिमी ने। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर वह ने, वार्ड नंबर कते है? 8 है। 8। 8 नंबर हुआ कि यहां सब के वार्ड में नल जल योजना के लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, पानी अभी ना तक पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा है कि नल के टोटी लागल छे? हां टोटी तो लागल है, लेकिन आज तक पानी नहीं आलै? नहीं आलै। कहियो एक दिन पानी पी लिए नल जल के? हां कहियो नहीं। तो अहाँ सब देख सकै छी जे ई सब वार्ड नंबर 8 के छथिन जजुआर पश्चिमी के, नल जल योजना के कार्य नहीं भेल छै, पैसा के निकासी भ चुकल छै और आज तक हिनका घर में पानी नहीं पहुँचल छै कि आवास योजना के लाभ मिलल? आवासो के लाभ नहीं, कोनो सरकारी योजना के लाभ मिले? बाढ़ राहत वाला जो पैसा अबै छै से सब? नहीं। बाढ़ राहत सबके पैसा सेहो नहीं मिले, सरकारी योजना के लाभ नहीं मिले छै, नल जल तो चालू छै हे नहीं। आगू किछ और छथिन हमरा साथ में बैसल छथिन ग्रामीण, हुनका सबसे पूछबै। चाची प्रणाम, अहाँ के नाम? जय काला देवी। तू कौन पंचायत में घर यहाँ के? पश्चिमी पंचायत। पश्चिमी पंचायत, वार्ड नंबर? की नल जल योजना के काम भेल छै अहाँ सबके वार्ड में? पानी अबै छै? कोनो सरकारी योजना के लाभ मिलल? कुछ नहि, पहिले ने कहि देलियै। मुखिया जी के पास गेलिए नहीं अहाँ सब सरकारी योजना? मुखिया जी जाइ छी हम सब, मुखिया मारा दौड़े के जाउ, मुखिया यहाँ जाइ छी मारा दौड़े छी तऽ कोते ले जेबै? मुखिया जी के पास आप लोग सरकारी योजना के लाभ के लिए जाते हैं तो मुखिया जी क्या करते हैं? मारेला दौड़ता है, कथा नहीं चाहिए। सुन सकते हैं कि यहाँ पर कि अगर सरकारी योजना के अपना जो हक है वो मांगने जाते हैं तो मुखिया जी मारने के लिए छूटते हैं। वो घर का पैसा तो दे ही ना पार लगले मुखिया जी, मुरैया नहीं थी। आप देख सकते हैं अरे बच्चे हैं मुरैया में रहते हैं लेकिन आवास योजना का लाभ इन लोगों को नहीं मिला। देखिए ये दलित महादलित हरिजन परिवार हैं और इन लोगों को एक भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता है। क्या आप लोग प्रखंड तक नहीं जाते हैं अपना अधिकार मांगने? इन लोगों को प्रखंड का रास्ता भी नहीं मालूम है और प्रखंड में कहां पे कौन से अधिकारी बैठते हैं इनको यहां तक भी नहीं मालूम है, लेकिन मुखिया जी के पास जब जाते हैं अपना अधिकार मांगने तो डांट और डपट कर भगा देते हैं।
बाजू जो साहब के आज बाजू अरे न राशन कार्ड न राशन से न दे न इंदिरा आवास दियो पुता हो गए राशन में ना कुछ में न जुटल है राशन के आवास योजना के लाभ मिलल ना साफे न कुछ दिल ही न आज तक कोनो योजना के लाभ ही नहीं मिलल न हमरा सबके नाम जोड़े खाली भरोसा दे कुछ न हो इंदिरा आवास कुछ न दिल घर उर बनाबे ला कह की से आई बीच में वोट देते तो बना देवे नयका वाला सके आई बीच में वोट देते तो बना देवे ते की मुखिया जी फिर से प्रलोभन दै छथिन जे के एक बेर और वोट दिया तो बना देव अब किया ने आ सब के पन्नी कुन्नी के दल के आई आई आती में देबे ना करते साफ न पूछो दिले आ सब के इमर जे से नल जल के पानी पीबे छी नो ए लगा तो हईबे ना है साफे ना कुछ देले है कोई नल जल नहीं जे टोटी लागल है यहां के आंगन में वहां ना पाइप हुआ धैले ये पाइप है इनके आंगन में ये महादलित मोहल्ला है जजवार पश्चिमी का 8 नंबर वार्ड यहाँ पर पाइप लगा है लेकिन आज तक नल टोटी नहीं लगा योजना का काम अभी तक अधूरा पड़ा है तो आप क्या चाहते हैं कि ये नल जल का काम होना चाहिए होना चाहिए जा सब करते तो कल न होते बनवाते है जो बनावे तो कथी से बनवाते सूरज माझी ये कथी के पाइप है नल के पाइप है इसमें से पानी आता है तो नल जल योजना का पानी नहीं आता है इसमें है ना नहीं आते। जोर बधी ना। तो आप लोग मतलब जो है इसमें से नल जल का पानी अभी तक नहीं पिया है पाइप फूटा हुआ है ना पानी अभी तक नहीं आया तो आप देख सकते हैं कि ये पाइप है नल जल योजना का इसका टोटी नहीं लगा है कुछ भी नहीं लगा है आप देख सकते हैं कि यही है नल जल का पाइप जजवार पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 8 का वार्ड नंबर 8 जजवार पश्चिमी पंचायत में घर घर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि विगत 10 साल में और 20 साल में पंचायती राज योजना में इन लोगों को कितना लाभ मिला है और कितने गरीब को आवास मिला है। एक और महादलित परिवार की महिला हमारे साथ है, इनका भी दर्द सुन लेते हैं। आपका नाम? नाम है शोभा देवी। का आवास योजना का लाभ मिला आप लोगों को? कहाँ कुछो के मिल रखा ना, इंदिरा आवास मिल रखा 8 साल 10 साल शादी का लाभ है, कहाँ अभी तक इंदिरा आवास नहीं मिल रखा ना। लाइन है एगो, सिर्फ इतना जाने की राशन दिए तो खाए छी और बाकी बात कहाँ, बिजलियो बिल जा रहा थी दो बिले मांगे हैं क्योंकि पैसा लाइए। अच्छा, शौचालय योजना के लाभ मिला? कहाँ मिल रही है शौचालय योजना के लाभ? नल जल योजना के काम भले यहाँ सब वो टूटल है का नल का, और के दे है पानी और के देवे नहीं करे तो कि नल जल के पानी जैसे से कहीं आज तक नहीं पिए? नहीं अभी तक नहीं पिए, वो है टूटल उठल। तो महादलित दलित महिला है और वार्ड नंबर 8 के द्वार पश्चिमी के, और अहां सब देख सके छी हिनकर सके दर्द कि आज तक प्रतिनिधि जे छथिन जे पंचायत के मुखिया छथिन वो आज तक एक रुपया के काम नहीं केलखिन। ई मकान छै हिनकर टूटल छै, बच्चा के साथ में रहै छथिन, कखनो दुर्घटना भ सकै छै अगर मकान गिर गेलै तब। की नाम भेल? देवन माझी। ई कथी छै बाबा? ई इना पानी आबै है, पानी आबै छै वाला नै आबै छै। अच्छा, ई नल जल योजना के टंक कथी लागल छै पोल, एमे सब पानी निकले गेलै, लेकिन एमे सब पानी निकलै छै कहियो? एमे पाइप नै जाय अथी कहाँ से, कहियो पाइप नै लागल है कि आवास योजना? अच्छा, आवास योजना के लाभ मिलल? आवास योजना के लाभ इनका नहीं मिलल छन। कह के मतलब जे कि जतेक घर हम वार्ड नंबर 8 में घूमनू है दलित महादलित मोहल्ला से लक अन्य मोहल्ला में, उनका सबके सरकारी योजना के लाभ नहीं मिलना और एक कौटा घर में पानी नहीं पहुंचा। पानी पहला कल पानी पीने के लिए भी लोगों के पास में कल नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे कि आप जैसे गरीब लोगों को आवास नहीं मिलता है? नहीं, कल दो पानी घर दो। क्यों नहीं मिलता? मुखिया नहीं देता हमरा, मुखिया जी के पास गए थे कितने में कहा से मुखिया जी मुखिया जी बोले हैं कि हैवे नहीं है, ये लोगों के नाम से ना आवास आता है, एक भी सरकारी योजना का लाभ नहीं आता है। समस्या है यहाँ के मुखिया जी सब जाची घर के मांगने के लिए तो कहता है कि से आपको घर नहीं देगा, हमको वोट नहीं देता है, तारा वोट नहीं देता। यानी आपको वोट नहीं देता है मतलब आप लोग वोट नहीं देते हैं ऐसा मुखिया जी इल्जाम लगाते हैं, इसलिए योजना का लाभ नहीं मिलता? नहीं मिलता है। तो मुखिया जी क्या बोलते हैं? कहते हम सब नहीं देते। तो कोई भी योजना का लाभ नहीं मिलता आप लोगों को सरकारी योजना का? कुछ भी नहीं मिलता है, वो दिया है तो वो अभी मांगबे करता है पैसा लाइए बोलू, हम सब गरीब दुखिया कहाँ से देते। घर के लिए पैसा मिला आवास योजना वाला? घर के कोई मुखिया ने दिया है पैसा अभी तक मतलब? नहीं, 10 साल यो मुखिया रहा वो मुखिया रहा, हमारा तो कोई नहीं दिया।
यानी 20 साल में इन गरीबों के लिए एक भी मुखिया ऐसा नहीं हुआ पंचायत में कि इन लोगों को अपना अधिकार दिला सके। की नाम है चाची? शांति देवी, सिमी पंचायत में, 8 नंबर वार्ड। हाँ। आप लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं मिला। यही घर है आपका? हाँ, घर है। तो आप देखिए कि ये झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं, लेकिन आज तक इनको आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। नल जल योजना के लाभ मिलल? क्या नाम है आपका? राम बहादुर माझी। झोपड़ी तो हम कहिए पक्का के घर। आपके वार्ड में नल जल योजना का काम हुआ है? काम हुआ है, लेकिन कोई काम का नहीं है, चालू भी नहीं है, कुछ चालू भी नहीं है। क्या अभी तक आपके वार्ड में पानी नहीं आया? नहीं, पानी कुछ भी नहीं आ रहा है, अभी चालू ही नहीं है, सारा चीज बन गया है, कोई साधन नहीं है उसमें। क्या आपके घर में पानी आता है? देखिए, घर सब आपके भी घर में पानी नहीं आता है। आवास योजना का लाभ मिला आप सबको? कुछ नहीं मिला है। क्या नाम हुआ आपका? सीता देवी। सीता देवी, तो आप देख सकते हैं कि ये दलित महादलित परिवार हैं जिनको आज तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। आपको आवास मिला है? जी नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? आप मुखिया जी के पास गए थे? गए हुए थे, बोला था कि थोड़ा दिया, हर कुछ दिया, हर चीज का के छोड़ दिया, कुछ नहीं दे रहा है मुखिया, भोली मुखिया कुछ भी नहीं दे रहा है, बिचला नहीं दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इन गरीबों का दर्द, झोपड़ी में रहते हैं लेकिन आज तक इनको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे प्रतिनिधि को? देखिए, हमको यही है, जब हमको टूटली मरिया, हमको ऊंचा हो जाना चाहिए, कुछ मकान भरी मिलना चाहिए गरीब के, और क्या कहना चाहिए, वो कुछ मिलबे नहीं करता है। वो मुखिया आता है तो कहता है हम बना देंगे, वो कहता है हम बना देते, अब कुछ मिलबे नहीं करता है। हर साल इन लोगों को प्रलोभन दिया जाता है कि हम बना देंगे, हम बना देंगे, लेकिन इनका काम नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये दलित महादलित मोहल्ला है और यहाँ पर अभी तक किसी भी योजना पे कार्य नहीं हुआ है। आप लोगों के घर में नल जल है? सबके घर में नल है, लागे लागे कोई था पानी, पानी नहीं आता है। कभी आज तक पानी पिए हैं आप लोग? कभी नहीं किया, उसमें कभी पानी नहीं आया है और ये लोग आज तक नहीं पिए हैं। थोड़ा नल जल के टोटी का भी हाल दिखा देते हैं आप सबको, ये आगे देखिए। अब इस वार्ड में जो नल जल का टोटी लगा है, हम उसे खोलने का प्रयास करते हैं कि शायद इसमें पानी आ जाए। खोलिए तो उसको, पानी आता है कि नहीं आता है? ये है, पानी नहीं आ रहा है, ये नहीं है उसमें पानी, तो कहाँ से आएगा उसमें? अच्छा, आप ट्राई कीजिए, कहीं पानी निकल जाएगा, आप देखिए। तो ये नहीं है पानी, कहाँ से? तो देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर पानी कहाँ से आएगा जब पानी आता ही नहीं है, पाइप फटा हुआ है, कहीं भी अच्छा से कार्य नहीं हुआ है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि अच्छा से काम होना चाहिए? जी, जी। हाँ, होना चाहिए। क्या नाम है आपका? राजन। राजन, राजन माझी। तो आपके परिवार में सरकारी योजना का लाभ मिलता है? नहीं मिलता है। तो आप लोग अपने अधिकार के लिए मुखिया जी या प्रखंड में बीडीओ जी के पास जाते हैं? जाते हैं। तो उसके बाद भी आप लोगों को कोई योजना का लाभ नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। आवास योजना कुछ भी नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनका कहना है कि कोई भी सरकारी योजना का लाभ इन लोगों को नहीं मिल पाता है। यहाँ पर झोपड़ी ही झोपड़ी है, आप जहाँ तक देखेंगे सिर्फ झोपड़ी नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी भी सरकारी योजना का आज तक कार्य नहीं हुआ है। वोट दै छै ताले मुखिया केना जीत जाय छै? पब्लिक कहता, मुखिया जी कहता है कि ये सब पब्लिक हमरा वोट नहीं देता है, तारापुर के, तारापुर के हम झोपड़ी ही रह जाएगा, ऊंच नहीं करेगा, उसी तरफ से मुखिया जी नहीं देता है। देखिए, ये महिला जो है सीधा आरोप लगा रहे हैं पक्ष और प्रत्यापक्ष करने का, कि मुखिया जी बोलते हैं कि आप लोग हमको वोट नहीं देते हैं, इसलिए इनको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता है। एक नल का टोटी लगा है लेकिन इसमें से आज तक पानी ही नहीं निकला, और ये हमारे बुजुर्ग जो माता जी है महादलित परिवार से है। चाची प्रणाम। की नल जल योजना के लाभ मिलल? नल जल योजना के पानी पीलिए कहियो? यानी आज तक पानी नहीं अल पानी? देखियो भैया, नल जल छे लेकिन अ पर काम नहीं भेल छे, कतबो खोल दियो पटक दियो लेकिन अमे से पानी नहीं निकल। तो इहो वार्ड नंबर 8 है, जजुआर पश्चिमी के महादलित मोहल्ला छे, और अठम जे छथिन से एकदम गरीब लोग सब रहै छथिन, लेकिन हिनकर सबके आज तक हिनकर सबके सरकारी योजना के लाभ नहीं मिल पेले। की नाम है? देवरानी। बकरी के बच्चा के की अहां सबके आवास योजना के लाभ मिलल? नाम मिलल आवास योजना के लाभ नहीं मिल रहा। यहाँ के घर है कहाँ? देखियो कि ई हिनकर झोपड़ी छन, अठम ही रहै छथिन लेकिन हिनका सबके आवास योजना के लाभ नहीं मिल। लेकिन नल जल के पानी पी लिया? ना पी लिया।
हफ्ता में एक दिन, तो हफ्ता में एक दिन अ वार्ड के किछु भाग में पानी अब और किछु भाग एहन छे जहां पर पाइपो नहीं बिछायल गेल छे। सबके महादलित मोहल्ला में छी और हिनकर सबके हरिजन परिवार छथिन और हिनका सबके कोनो योजना के लाभ आज तक नहीं मिलल छे। गली गली में सिर्फ झोपड़ी छे, आवास योजना के लाभ नहीं मिलल छे। देखियौ ई तस्वीर छे, ई तस्वीर छे दलित महादलित मोहल्ला के जे जजुआर पश्चिमी के 8 नंबर वार्ड में छे। नल जल योजना तक कोसो दूर छे, पानी नहीं अबे छे, नहीं पाइप बिछायल छे, नहीं कोनो तरीका के योजना पर काम भेल छे। लेकिन हम अहाँ के देखावे चाहे छी झोपड़ी, झोपड़ी देखियो जहाँ पर छोटा छोटा बच्चा सब रहे छे, छोटा छोटा बच्चा सब रहे छे। लेकिन आई योजना के इनका सबके आवास योजना के लाभ नहीं मिल रहा है। भैया जे छे से मतलब छोटा छोटा नन्ना मुन्ना सब छथिन और बस्ती में रहे छथिन, नहीं रह लेल घर छन, नहीं कोनो योजना के लाभ मिले छे। वार्ड नंबर 8 में छी हम और जजुआर पश्चिमी में छी महादलित मोहल्ला में। एगो और पाइप देखे छी नल जल योजना के जहाँ से पानी निकले छे, तो ये देखियो अमे महिष बांधल छे। अल महिष बांधल छे जमे पानी नहीं अबे छे, के उपयोग नहीं हो छे, एत के लोग छथिन ओ कम से कम उपयोग में लबे छथिन महिष बांध के। तो तस्वीर अहाँ देखियो, अगर पानी नहीं निकले छे तो अपन जुगाड़ लगेने छथिन महिष बांध के, अमे पानी आवे के चाही। लेकिन योजना पर कार्य नहीं भेल छे, लाखों रुपया के निकासी भ चुकल छे और योजना भ्रष्टाचार के शिकार भ चुकल छे। का नाम? रतन सैनी। कौन से पंचायत में? जजुआर पश्चिमी पंचायत। वार्ड नंबर 3। वार्ड नंबर 3। क्या आपके वार्ड में नल जल का काम हुआ है? नल जल काम हुआ लेकिन पानी में नहीं आता है। नल जल योजना का काम हुआ लेकिन पानी नहीं, पानी नहीं, जब से लगा था पानी नहीं आता, तब से पानी नहीं, यानी एक दिन भी पानी नहीं रहा। कभी कभी मैंने एक कम मैंने जो है हफ्ता 15 दिन पड़ेगा, आधा घंटा चला लेकिन पानी नहीं चलता, नहीं आता, नहीं कोई भी जल नल भी ठीक नहीं है जी, यानी लगातार पानी नहीं आता, नहीं आता। तो आप लोग कुछ आवाज़ उठाए थे? आवाज़ नहीं उठाए। क्या कार्रवाई होना चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए। तो देखिए ये वार्ड नंबर तीन के निवासी हैं और इनका कहना है कि वार्ड में नल जल का काम तो हुआ लेकिन इतने घटिया स्तर से हुआ कि आज तक किसी भी घर में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह से पैसा निकासी होने के बाद भी आपके वार्ड में काम नहीं हुआ, क्या ऐसे प्रतिनिधि पर कार्रवाई होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। अगर जांच कार्रवाई की टीम अगर आपके वार्ड में आता है तो क्या आप जांच में सहयोग करेंगे? बिल्कुल सहयोग करेंगे। तो ये थे नंबर 3 के निवासी हैं और इनका कहना है कि वार्ड में आज तक नल जल का पानी नहीं आया, एक टंकी तो लगा है लेकिन आधा अधूरा कार्य हुआ है। चालू। क्या नाम हुआ आपका? ललन पंडित। कौन से वार्ड में है? जजुआर पश्चिमी। क्या आपके वार्ड में नल जल योजना का काम हुआ है? ठीक से नहीं हुआ। आपके घर तक पानी पहुंच पा रहा है? पानी नहीं पहुंच पा रहा है आपके घर तक। मान के चलिए कि आपके वार्ड में जांच कमेटी का टीम जो है वो आएगी तो क्या आप जांच में मदद करेंगे? दिखाएंगे कि काम सही से नहीं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? महेंद्र पंडित। कौन से पंचायत में आपका घर है? पश्चिमी। जजुआर पश्चिमी। वार्ड नंबर 8 में। वार्ड नंबर 8। क्या आपके घर में नल जल का पानी पहुंच पा रहा है? नहीं, लगा हुआ है, उसमें हम लोग पानी का बच्चा बोल बांधते हैं, उसमें पानी आता भी नहीं है, तो ठोके ठोके चू रहा है लेकिन पानी नहीं रहा है, चाली आता है। यानी नल जल योजना की जो हमने आपको हकीकत दिखाया जजुआर पश्चिमी के 8 नंबर वार्ड का, कहीं पाइप बिछा है तो कहीं पाइप नहीं है, कहीं पानी हफ्ता में पहुंचता है तो कहीं पानी का एक बूंद भी नहीं पहुंच पा रहा है।